वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एनिस टाइपर्स ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं कुछ दिनों के लिए ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज मैं फिर से जा रहा हूँ बनाने ब्लॉग और जा रहा हूँ आज मैं डिपरविल। तो दोस्तों आज का ब्लॉग होने वाला बेलतला टू डिपरविल। तो दोस्तों बेलतला से डिपरविल का डिस्टेंस लगभग 17 किलोमीटर है, और जो कि मैं अपना KTM से पूरा करूंगा आज। तो आप लोग वीडियो में बने रहे लास्ट तक, और अगर अच्छा लगे तो यार एक लाइक जरूर करें। दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 8 बजने वाला है, और मैं निकलने वाला था सुबह 5 बजे, लेकिन क्या हुआ सुबह का टाइम में इतना ज़्यादा ठंडा था यार, उठने का मन नहीं किया, तो थोड़ा देर हो चुका हूँ मैं, नहीं तो इतना टाइम में मैं डिपरविल पहुँच गया रहता। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा आज डिपरविल पहुँचने में और अपना KTM का साथ जाने में। तो मिलता हूँ आप लोग से आगे में। तो अभी आप लोग देख सकते हैं रोड जो है थोड़ा बहुत खाली है। तो दोस्तों अभी मैं कुछ देर में गोरचुक पहुँचने वाला हूँ। गोरचुक जो है पहुंच चुके हैं हम। तो दोस्तों मैं अभी जा चुका हूँ पामोही के रास्ते में, और अब देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है। वैसे मुझे बेलतला से ये गोरचुक पहुँचने में अभी हो रहा है 8:15, तो इतना टाइम लग चुका है। 7:30 बजे निकला था घर से और 8:15 में गोरचुक पहुँच चुका हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपका भाई जो है गोरचुक के रास्ते होते हुए पामोही से जा रहा है डिपरविल। तो हम लोग देखते रहना आपको। दोस्तों आप लोग देख ही रहे मेरा KTM जो है कितना साथ दे रहा है, इतना दूर इधर KTM लेके आ चुका हूँ। दोस्तों वीडियो का जो क्वालिटी है उसको थोड़ा आप लोग झेल लेना, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो कैसा आ रहा है पिक्चर, तो उसके लिए मोबाइल थोड़ा अच्छा लेना पड़ेगा, वो मैं ले लूँगा आगे में। तब तक आप लोग इसी से देखो यार, थोड़ा बहुत पिक्चर का क्वालिटी ख़राब होता है। तो अभी मैं एंटर कर चुका हूँ विलेज के अंदर में। तो सुबह का वक्त और इस तरह का कुछ नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, हालांकि मेरा मोबाइल से आप लोगों को उतना कुछ खास दिख नहीं रहा होगा जैसा मैं देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं भी चल चल के जो है थक चुका हूँ थोड़ा सा, कहीं दुकान देखता है तो पानी का बोतल खरीदते हैं, और दुकान बोला हूँ मैं मिल गया सामने में। यार इतना दूर चल चल के हालत जो है ख़राब हो चुका है, तो इसीलिए एक तो पानी लिया हूँ और ये बिस्किट ये खा के फिर निकलते आगे। तो भैया हो गया हमारा एक तो बिस्कुट और चाय हो गया, अब निकलते हैं फिर। देखते हैं कुछ इस तरह का है रास्ता, सीधा चढ़ाई है यहाँ से, तो हम ऊपर चढ़ के आप लोग से फिर मिलता है। तो यार सुबह का टाइम है तो इतना दूर मैं आ चुका हूँ, लेकिन मुझे उतना मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन जब आऊँगा तब पता चलेगा कितना दूर आया था। तो हम जो है कुछ देर में पहुँचने वाले, और वो जो ब्रिज है मुझे दिख रहा है यहीं से। तो भाई यहाँ पर आके जो है बड़ा मज़ा आ रहा है, पता ही नहीं चला कैसे इतना दूर आ गया, और आगे में आप लोग जाम देख सकते हो, गाड़ियों का जो जाम है अभी से लगना चालू हो चुका है।
फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ डिपरविल और अपना केटीएम का साथ में, जो कि मेरा घर से डिपरविल आप लोगों को पहले ही बताया था 17 किलोमीटर मतलब पड़ गया था आने में। तो यार उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ था। तो अभी आते समय तो कुछ उतना पता नहीं चला था, अब जाने का टाइम में थोड़ा दिक्कत हो सकते है। तो यार आज का जो हमारा टास्क था बेलतला से डिपरविल आना, तो वो टास्क जो है कम्प्लीट हो चुका है और जो कि मैं अपना केटीएम से पूरा किया हूँ। तो यार अगर आप लोगों का अगर साथ रहा तो मैं अभी ये केटीएम चला रहा हूँ और एक दिन हो सकता है शायद मैं असली वाला केटीएम चलाऊँ अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। तो दोस्तों आज अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं, उसके बाद वापस चले जाएंगे। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो कैसा लगा है ये मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं डिपरविल कुछ इस तरह का दिखता है और यहाँ पर ज़्यादा कपल्स आते हैं, तो हम सिंगल से कुछ काम यहाँ पे है नहीं इतना खास। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करो और कमेंट करके मुझे बताओ कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मैं उतना तो नहीं घुमाऊँ, लेकिन आप लोग में से अगर कमेंट करोगे तो हो सकता है मुझे जगह मिल जाए वीडियो बनाने का। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना है यार प्लीज़, इतना आप लोग से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि और कौन कौन सा गुवाहाटी में जगह है जो मैं जा सकता हूँ और जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ जाने के लिए, ठीक है। तो अपना केटीएम में इतना दूर ऐसे मुझे भी नहीं लगा था कि मैं अपना केटीएम लेके यहाँ आ सकूँगा डिपरविल, लेकिन मैं आ गया। मुझे लग रहा था बहुत दूर होगा, जब मैंने मैप में देखा कि मेरा घर से जो डिपरविल है वो लगभग 17 किलोमीटर पड़ जाएगा, तो मैं सोचा यार उतना भी कुछ ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं है, आराम से जा सकते हैं। तो आ चुका हूँ, कोई दिक्कत हुआ नहीं, आराम से आ गया हूँ। तो इसी तरह आप लोग कुछ अगर आप लोग का भी दिमाग में कुछ आता है जो ऐसा कोई रास्ता है जगह है जहाँ मैं जा सकता हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करें और लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाते रहूँगा और मैं मिलता हूँ दोस्तों आप लोग से अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।